वीडियो का टॉपिक है इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन करना या इंट्राडे की वॉच लिस्ट प्रिपेयर करना। दोस्तों लास्ट वीक मेरे दूसरे वीडियोस पे काफी कमेंट्स आए थे लोगों की कि इंट्राडे के स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, इस पर एक वीडियो बनाइए। मैं भी जब इस लाइन में नया आया था तो मुझे भी इस टॉपिक पे नॉलेज गेन करने की काफी क्यूरियोसिटी थी कि इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्शन हम कैसे करें। तो मैं भी आपकी तरह काफी यूट्यूब के वीडियोस देखता था और जो टॉप के अच्छे अच्छे ऊपर लिस्ट में वीडियोस आते थे वो सब देखे, पर मुझे उसमें से कहीं से भी कोई टाइप का कंटेंट नहीं मिला, कोई जेन्युइन कंटेंट नहीं मिला। कैसी कैसी बातें करते थे कि NSE की वेबसाइट पर ये डेटा मिलेगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर एक्सेल की ये शीट बना लीजिए, इसमें XYZ ये फॉर्मूला डाल दीजिए और बूम एक मैजिक हो जाएगा, 5 ही मिनट में आपका इंट्राडे का डेटा रेडी हो जाएगा। कोई बोलता था कि मनी कंट्रोल वेबसाइट की या वगैरह वगैरह वेबसाइट पे जाइए और उधर ये आपको एक डेटा मिलेगा, उस पर ये स्कैनर लगा दीजिए, 2 ही मिनट में आपको इंट्राडे के स्टॉक सिलेक्शन की लिस्ट आपके हाथ में आ जाएगी। और कोई तो ऐसा वीडियो बनाते थे कि जैसे दो लोग बैठे, एक आदमी दूसरे आदमी का इंटरव्यू ले रहा है, वो आदमी सूट वूट पहन के अच्छी तरह बैठा है, पूरी वीडियो में अनशन अजीब अजीब बातें करके और अजीब अजीब से मुहावरे से मनोरंजन करते रहते थे, लेकिन लास्ट तक ये नहीं बताते थे कि इंट्राडे के स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगी। कोई बोलता था कि 52 वीक है, 52 वीक लोग के स्टॉक सिलेक्ट कीजिए, कहीं पर कोई लॉजिक ही नहीं लगता था। कभी कभी ऐसा लगता था यहाँ कोई जेन्युइन ट्रेडर है ही नहीं, या है तो कोई किसी की हेल्प करना ही नहीं चाहता है, सबको सिर्फ अपना सेमिनार वर्कशॉप और कोर्स सेल करने में इंटरेस्ट है। वो एक ट्रेलर दिखा देते हैं और फिर बोलते हैं पूरी पिक्चर देखनी है तो आइए हमारे वर्कशॉप में, हमारे सेमिनार में। कुछ लोग तो इसमें एस्ट्रोलॉजी भी ऐड कर देते थे कि 9:15 से लेकर 9:45 तक आपको वेट करना है, 9:45 को एक्जैक्ट ये डेटा इस जगह पर डाउनलोड करना है, ये स्कैनर यूज़ करना है। कोई बोलता था 10:15 को आपको ये डेटा ये वेबसाइट पे देखना है और ये स्कैनर यूज़ करना है, और अचानक से आपके सामने डेटा आ जाएगा, वो इंट्राडे के स्टॉक सिलेक्शन का डेटा होएगा। कोई लॉजिक ही नहीं लगता था कहीं पे इन बातों का। मुझे कभी कभी लगता था क्यों बना रहे हो यार, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मेरे दोस्तों के लिए इस टॉपिक पे एक जेन्युइन कंटेंट बनाना बनता है, और इसलिए मैं आगे आपके सामने ये वीडियो लेके। तो दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको इंट्राडे की स्टॉक सिलेक्शन की जो लिस्ट बनानी है, एक वॉच लिस्ट बनानी है, उसके लिए आपको NSE की कोई वेबसाइट पर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई डेटा डाउनलोड नहीं करना है, कोई एक्सेल की शीट में कोई फॉर्मूलाज यूज नहीं करने, और ना ही कोई मनी कंट्रोल या वगैरह वगैरह वेबसाइट पर जाके कहीं पर कोई स्कैनर यूज करना है। जो आपको करना है वो है आपका होमवर्क अपने चार्ट्स पे। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरा कोई सेमिनार कोर्स या वर्कशॉप सेल करने का इरादा नहीं है, मैं आपका दोस्त हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ आपकी हेल्प करने आया हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब काफ़ी बातें हो गई, आइए चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आपको इंट्राडे के लिए जो वॉच लिस्ट बनाना है, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन का लिस्ट कह लीजिए, वॉच लिस्ट कह लीजिए, एक ही बात है, वो आपको अपने चार्ट्स पे मिलेगा। आपको अपना होमवर्क थोड़ा करना है और फिर क्या स्ट्रेटेजी कैसे यूज़ करनी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे पहले एक वीडियो में। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो जाके इस वीडियो को देख ले और फिर आके ये वाला वीडियो देखे, ताकि जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको बहुत ही ईजिली और सिंपली समझ आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इंट्राडे में काम करने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन के सारे स्टॉक के लिस्ट होने चाहिए। जैसे ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होने वाले जितने भी स्टॉक्स है उसकी ये एक लिस्ट है। ये लिस्ट मैंने इसमें बना के सेव करके रखी हुई है, तो आपके पास भी सारी लिस्ट होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंट्राडे में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही काम करना है, अगर आपकी कैपिटल छोटी है तो आप इक्विटी में भी काम कर सकते हैं। जो इसकी कैपिटल ज़्यादा छोटी होती है उनको सेल भी करना है तो इंट्राडे में आप इक्विटी में सेल कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपिटल है वो हिसाब से। अगर आपकी कैपिटल बड़ी है तो फ्यूचर्स में सेल और बाय करना ज़्यादा बेटर रहता है। और आपको इक्विटी में काम करना है तो भी आपको, लेकिन काम इन FNO स्टॉक की लिस्ट में से ही करना है, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये सारे स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी दोनों ही रहती है काफ़ी। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई स्टॉक बाय किया और फिर लिक्विडिटी नहीं है तो आप सेल नहीं कर सके, या सेल किया है तो लिक्विडिटी नहीं होने के कारण आप सही रेट में उसे बाय ना कर सके। तो लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों ही रहेगी इन लिस्ट में। तो आपको ये जो लिस्ट है इसमें जितने भी FNO के स्टॉक्स हैं मैंने इस लिस्ट में ऐड कर दिया, तो ऐसे आपके पास एक लिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये लिस्ट होने के बाद आपको ये जितने भी स्टॉक्स हैं वन बाय वन सारे ही खोलने और उसमें अपॉर्चुनिटीज सर्च करनी है। तो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे सर्च होंगी वो मैं आपको और बताता हूँ। आप जितने भी स्टॉक्स है सबका आपको चार्ट खोलना पड़ेगा इंट्राडे में। अगर आपको काम करना है तो एक दिन पहले रात को खोल लीजिए या सुबह जल्दी उठ के खोल लीजिए। तो मार्केट ओपन होने से पहले आपके पास आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए और आपको कौन से स्टॉक्स में ध्यान देना है उस दिन वो ऑलरेडी आपके लिस्ट में होना चाहिए। दोस्तों आपके चार्ट पे ये 200 डे की मूविंग एवरेज और ये MACD इंडिकेटर प्लॉटेड होना चाहिए। ये कैसे प्लॉट करते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरी पहले की वीडियो में, इसलिए वो चीज़ मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा। और अब ये जब आपने प्लॉट कर लिया है तब आपको आपके जितने भी इंट्राडे में काम करने लायक स्टॉक्स हैं जो FNO की लिस्ट में हैं उन्हें खोल खोल के आपको उसमें पुलबैक्स ढूंढने हैं।
पुलबैक क्या होते हैं वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। दोस्तों मार्केट कैसे चलता है आपको पहले वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट कभी भी ना ही सीधा सीधा ऐसे ऊपर जाता है और ना ही सीधा सीधा ऐसे नीचे आता है, वो हमेशा एक वेव्स में ही चलता है। जब वो स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तब वो ऐसे अपसाइड की तरह अपनी वेव्स बनाता बनाता ऊपर जाता है, और जब वो साइडवेज में आ जाता है तो वो ऐसे साइडवेज में ही अपने एक रेंज के अंदर अपनी वेव्स बनाता है, और जब वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ जाता है तो वो ऐसे नीचे जाते जाते अपनी वेव्स बनाता हुआ नीचे आता है। ये जो वेव्स होती है दोस्तों, जिसे हम जब वो अप ट्रेंड में होता है तब हायर हाई बोलते हैं, और फिर वो जब पुल बैक लेता है तो जो नीचे आता है इसे पुल बैक कहा जाता है, तो वो होता है हायर लो, और दोबारा जब वो ऊपर जाता है तो ये एक दूसरा हायर हाई बनाता है, और जब वो वापस से नीचे आता है तो ये एक्चुअली गिरा नहीं है, ये अप ट्रेंड में जो नीचे आता है थोड़ा सा इसे पुल बैक कहा जाता है, ये स्टॉक का हायर लो होता है। वापस से ऊपर जाता है, हायर हाई बनाता है, और वापस से जब वो नीचे आता है तो वो हायर लो बनाता है दोस्तों। तो ये जो एक पैटर्न है एलियट वेव थियरी में भी आपको शायद सुनने मिली होगी अगर आपने देखी है तो, और जब वो एक रेंज में होता है साइडवेज में तो वो एक सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बीच में घूमता रहता है, और फिर जब वो इस एरिया को तोड़ के नीचे आता है तो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है दोस्तों। तो जब नीचे आता है तब वो लोअर लो बनाता है, और फिर वापस से जब ये ऊपर जाता है तो ये लोअर हाई एक बनाता है, वापस से नीचे आता है तो वो एक लोअर लो होता है, वापस से ये जब ऊपर आता है तो इसे पुल बैक बोलते हैं, ये होता है लोअर हाई, और वापस से जब वो गिरता है तो एक वो लोअर लो बनाता है, और सेम ऐसे ही पैटर्न वापस चलता रहता है ऐसे, एक वापस से वो लोअर हाई बनाएगा और वापस से लोअर लो बनाएगा। तो दोस्तों ये एक पैटर्न होती है स्टॉक मार्केट में या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब भी ट्रेड होता है वो ऐसे ही चलता है, ना ही वो ऐसे सीधा ऊपर जाएगा ना ही वो ऐसे सीधा नीचे आएगा। तो ये फंडे को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और हमें जो इसमें ढूंढना है वो है ये पार्ट्स, ये जो जब एक अप ट्रेंड में होता है आपको हायर लोज ढूंढने स्टॉक के, और जब वो एक डाउन ट्रेंड में होता है तो आपको हायर हाई ढूंढने। हमें जब बाय करना है अप ट्रेंड में तो हमें हमेशा ये हायर लो ढूंढने के बाद बाय करना है, वापस से जब वो हायर हाई एक लगाएगा तो वापस एक हायर लो लगाएगा, तो ये जो हायर लो है इधर हमें बाय करना है, वापस इस हायर लो पे हमें बाय करना है, और ऑलमोस्ट हमें ट्राई करना है कि हम हायर हाई के आसपास कहीं पे एग्जिट कर लें इधर इस एरिया में। और जब आप एक डाउन ट्रेंड स्टॉक को सेल करते हैं तो आपको हमेशा ये लोअर हाइज ढूंढने हैं सेल करने के लिए। और दोस्तों आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं ट्रेड करना है, जो ट्रेंड होता है वो ही हमारा फ्रेंड होता है, आपको आगे भी मैं बता चुका हूँ, नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। तो जब एक अप ट्रेंड का स्टॉक होता है आप इधर शॉर्ट नहीं करेंगे ये सोच के ये अभी गिरने वाला है, इधर भी गिरने वाला है, क्योंकि हमेशा एक अप ट्रेंड में जो हायर लो से हायर हाई की जो वेव होती है वो लंबी होती है, और हायर हाई से हायर लो की बहुत ही छोटी सी वेव होती है, और सेम वापस से ये लंबी वेव होती है फिर ये छोटी वेव होती है। हमें ये जो बड़े मूव से ये वाले ये सब मूव्स कैप्चर करने, हमें ये छोटे पुल बैक वाले मूव में इंटरेस्ट नहीं है। आई होप पुल बैक क्या होता है आप समझ चुके होंगे, आइए अब कुछ प्रैक्टिकल चार्ट्स पे देखते हैं। तो दोस्तों हायर हाई और हायर लोज जो होते हैं ये एक प्राइस एक्शन थियोरी है, उस तरीके से अगर आप स्टॉक को पहचान सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, वरना एक और आसान तरीका है स्टॉक का उस वक्त का ट्रेंड पता करने का, एक बहुत ही और सिंपल एक आसान तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। जब एक स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तो वो कंटिन्यूसली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं घूम रहा होगा, और जब वो साइडवेज में आएगा तो 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ऐसे घूमेगा, और जब वो डाउन ट्रेंड में आएगा तो वापस से 200 डे के मूविंग एवरेज के हमेशा नीचे ही ट्रेड करेगा ऐसे। 200 डे की मूविंग एवरेज जो है आपको स्लोप जो है उससे आपको पता चलेगा कि स्टॉक का उस वक्त का ट्रेंड क्या है। जब स्टॉक वापस से साइडवेज में आएगा तो 200 डे की मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे फ्लैट हो जाएगी, और जब स्टॉक अप ट्रेंड में आएगा तो 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली वो ट्रेड करना वापस से चालू कर देगा, और फिर वापस से जब 200 डे की मूविंग एवरेज फ्लैट होने लग जाएगी तो समझ लीजिए वो स्टॉक साइडवेज में ट्रेड करना चालू हो चुका है, और जैसे ही स्लोप थोड़ा नीचे आएगा तो समझ लीजिए 200 डे की मूविंग एवरेज के वो नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। और इस ट्रेड में आपको हमेशा ये जो पुल बैक्स हैं इसे पुल बैक कहते हैं, ये पॉइंट्स ढूंढने। टू
200 डे के मूविंग एवरेज के आसपास आपको ये पुलबैक्स मिलेंगे, कभी थोड़ा सा नीचे, कभी थोड़ा ऊपर, कभी काफ़ी ऊपर भी मिलेंगे ऐसे। पर आपको उसका जो ट्रेंड है वो हायर हाईज और हायर लोस की थियरी से पता चलेगा, और ये 200 डे के मूविंग एवरेज का स्लोप भी आपको बताएगा कि उस वक्त स्टॉक का ट्रेंड कौन से तरफ है। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है ट्रेंड के तरफ ही। और ये पुलबैक्स ढूंढने के लिए आपको कैसे ढूंढने हैं, इंट्राडे का वॉच लिस्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जब ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा होगा, वो डाउन ट्रेंड में जाते जाते वापस से थोड़ा ऊपर आएगा, और ये जब इस तरीके से ऊपर आ जाएगा, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं चार्ट को, इस तरीके से जब ये ऊपर आएगा तो ये 200 डे की मूविंग एवरेज का स्लोप भी कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे आ चुका होगा, और ये 200 डे की मूविंग एवरेज के आसपास कभी हो सकता है वो थोड़ा ऊपर हो, या हो सकता है वो इधर नीचे से ही ऐसे ऐसे थोड़ा साइडवेज मार्केट करके और फिर वो डाउन ट्रेंड में चला जाए। तो आपको ये MACD का कन्फर्मेशन लेना है, और जैसे ही ये गिरना शुरू हो तब आपको इधर सेल करना है। आप उसको एक ट्रेंड लाइन से भी कन्फर्मेशन ले सकते हैं कि वो स्टॉक अभी गिरना शुरू हो चुका है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। तो अब आपको ये कब पता चलेगा कि ये स्टॉक यहाँ से गिरना शुरू हुआ है, जब ये ऑलरेडी आपकी वॉच लिस्ट में होएगा। तो आपकी वॉच लिस्ट में आपको ऐसे रखना है कि स्टॉक्स जब ये गिरना शुरू हुआ है और इधर आके कहीं मार्केट आज क्लोज हुआ है, तो आपको ये वॉच लिस्ट में रख देना है कि हो सकता है कल या परसों वो इधर से थोड़ा और ऊपर जाके, या इधर साइडवेज कुछ भी एक्टिंग, कोई भी जोन एक बना के वापस से नीचे गिरना शुरू होएगा। तो जब ये गिरना शुरू होएगा दोस्तों, तो इधर आपको ये शॉर्ट करना है। अब ये कोई मुहूर्त नहीं होएगा कि सुबह 9:45 पे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, इधर से सेल करने को मिलेगा, या 10:15 को मिलेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है दोस्तों। ये जब उस पर सप्लाई आएगा स्टॉक में तब ये गिरना शुरू हो जाएगा। हो सकता है वो शुरुआत में 9:15 को जब मार्केट ओपन होता है तब से ही गिरना शुरू हो जाए, या हो सकता है वो आधा मार्केट निकल जाए 2 बजे के बाद गिरना शुरू हो, हो सकता है वो लास्ट में 2:45 बजे भी गिरना शुरू हो, या 3:15 बजे भी गिरना शुरू हो। इसका कोई एक फिक्स मुहूर्त नहीं है। जो कुछ यूट्यूब में गुरुज होते हैं, ट्रेडिंग गुरुज, वो लोग ने ऐसे तो वीडियोज अपलोड कर रखे हैं कि 9:45 का मुहूर्त है, एक एस्ट्रोलॉजी अच्छी ऐड कर देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये जब गिरना शुरू होएगा, चाहे वो 12 बजे हैं, चाहे वो 1 बजे हैं, चाहे वो 2 बजे हैं, जब ये गिरना शुरू होएगा तब आपको इसे यहाँ पे सेल करना है। आइए ये चीज़ अभी हम प्रैक्टिकली चार्ट्स पे भी देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ और चार्ट्स ले आता हूँ आपके सामने। दोस्तों ये आपके सामने चार्ट आ चुका है, ये वही स्टॉक है जिसपे अभी हम कर रहे थे वर्कआउट। अभी आपको इसमें कैसे, कहाँ, क्या फाइंड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये स्टॉक एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से 200 डे की मूविंग एवरेज भी फ्लैट नीचे ही जा रही है, और ये गिरा और ये इसका आया पुलबैक। तो ये पुलबैक आपको जज करना है, और इधर एक ट्रेंड लाइन आप बना दीजिए। जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और MACD इंडिकेटर का भी कंफर्मेशन होता है तब आप इसको सेल कीजिए। तो वो इंट्राडे में आपके स्टॉक सिलेक्शन की लिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है पहले ये स्टॉक। अब आप अगर देखेंगे तो डेट वाइज अगर आप देखेंगे, नीचे डेट दिख रहा है तो 20 मई को ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, 22 को इधर था और 27 को इधर था, और ये आपकी वॉच लिस्ट में समझो 22 से ही है। तो जिस दिन भी वो गिरना शुरू होगा, आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों हुआ, जब वो गिरना शुरू होगा, अपना ओरिजिनल ट्रेंड रिजम करेगा, तब आपको यहाँ पे इसे सेल करना है। फिर वापस से जैसे आगे आ जाते हैं हम, तो ये गिरता गिरता इसने वापस से एक ये पुल बैक लिया ऊपर की तरफ। तो आपको ये जो भी इसकी लोअर लोज है पुल बैक में भी, उनकी एक ट्रेंड लाइन बना देनी है, और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगा आपको ये सेल करना है। तो जब ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक 200 डे की मूविंग एवरेज के आसपास कहीं आ जाता है तो वो आपकी वॉच लिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही वो इस ट्रेंड लाइन को इधर ब्रेक करेगा तब आप, ज़रूरी नहीं है कि उसको आपको पता चलेगा, लेकिन आपकी वॉच लिस्ट में होएगा, आप उसे वॉच कर रहे हैं दिन भर चार्ट्स को बार बार, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई ये स्टॉक अभी यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है और फिर वो गिरता नीचे। तो ऐसे जो भी स्टॉक्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, आपको ढूंढने हैं। जैसे कि सपोज हम कोई और स्टॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि चलिए मैं कैस्ट्रॉल इंडिया खोल लेता हूँ। तो कैस्ट्रॉल इंडिया का चार्ट आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ चुका था और ये गिरा
और ये एक पुल बैक, नो डाउट ये 200 डे की मूविंग एवरेज के पास नहीं आया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद वो ऐसे आके ऐसे गिरेगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों। 200 डे की मूविंग एवरेज के थोड़ा नीचे से भी अपना यू टर्न कर सकता है, उसकी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई, वो नीचे गिरना शुरू हो गया। हो सकता है वो स्टॉक यहाँ तक भी आता, हो सकता है वो स्टॉक यहाँ तक भी आ जाता। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट्स में ऐसा लिखते हैं कि आप एक टेलीग्राम का चैनल चालू कीजिए और उसमें इंट्राडे के लेवल्स हमें प्रोवाइड कीजिए। दोस्तों पहली बात तो ऐसे कोई लेवल्स होते ही नहीं है इंट्राडे में। अगर आपको कोई लेवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे स्कैम से आप दूर रहिए। किसी को नहीं पता है कि ये स्टॉक इधर आके घूमेगा या इधर आके घूमेगा या इधर आके घूमेगा, कोई ऐसा एक फिक्स लेवल होता ही नहीं। आप एक लॉजिकल बात सोचिए, ऐसा कोई लेवल होता और वो आपको पता चल सकता है तो पूरी दुनिया को वो पता चल सकता है। तो जब उस लेवल पे स्टॉक आएगा तो बाय कौन करेगा? कोई बाय करेगा तभी वो धीरे धीरे उस लेवल पे आएगा, और उस लेवल पे डील होएगा तो वो रेट छपेगा। तो अगर सबको लेवल्स पता है तो बाय नहीं करेगा कोई, तो वो स्टॉक वहाँ तक आएगा कैसे? तो ऐसा कोई लेवल्स नहीं होता है दोस्तों इस स्टॉक में, कोई लेवल लेवल कुछ नहीं होता है। आपको टोटली ट्रेंड फॉलो करना है, और आपने ये देख लिया कि ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, जैसे ये ऊपर जाना शुरू हुआ आपके वॉच लिस्ट में वो आ जाना चाहिए। वो जब भी ऊपर जाके अपनी ट्रेंड लाइन तोड़ के, सपोज वो यहाँ तक जाता हो फिर ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे आता, तो आपको ये जगह पे सेल करना है। शायद हो सकता है वो और ऊपर जाके गिरता तो अभी आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे सेल करना है। तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जो 200 डे की मूविंग एवरेज के नीचे हैं पर वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, वो आपकी वॉच लिस्ट में स्टॉक्स होने ज़रूरी। जैसे दोबारा ये फिर गिरा, लेकिन वो सीधा सीधा तो यहाँ तक आएगा नहीं, तो वो वापस से उसने स्टॉक ने एक पुल बैक लिया। और इसकी अगर आप एक ट्रेंड लाइन बना देते तो ये स्टॉक ने वापस यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी और यहाँ से उसे सेल करना चाहिए था। अब ये स्टॉक जब 200 डे की मूविंग एवरेज के नीचे था और धीरे धीरे ऊपर आके 200 डे की मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा था, तो ये आपकी वॉच लिस्ट में होना ज़रूरी था। फिर आप देखेंगे तो इसकी ट्रेंड लाइन का टाइम देखेंगे तो सुबह 9:15 बजे इसे तोड़ दिया और ये नीचे गिरना शुरू हो गया। तो ऐसा कोई एक फिक्स ना ही कोई टाइम होता है, कोई उसमें कोई मुहूर्त भी नहीं होता है, और ना ही कोई उसका लेवल होता है दोस्तों। 200 के EMA के आसपास वो कहीं पे भी आएगा, हो सकता है ये यहाँ तक भी जाके फिर गिरता, या हो सकता है वो यहीं से ऐसे अपनी ट्रेंड लाइन तोड़ के गिर जाता। तो एक लेवल ऐसा कुछ होता ही नहीं है दोस्तों, वो ट्रेंड डिसाइड करेगा, चार्ट डिसाइड करेंगे। जब ट्रेंड्स चेंज होंगे आपको चार्ट पे वो सब कुछ दिख जाएगा, और वो मेहनत आपको करनी है। स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख के इंट्राडे अगर आपको करना है तो उस स्टॉक के चार्ट पे आपका पूरा दिन वॉच होना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड होगा तो वो कंटिन्यूसली 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा होगा, तो आपको यही देखना है कि 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर है, और फिर 200 डे की मूविंग एवरेज के आसपास जैसे ही आता है तो ये आपकी वॉच लिस्ट में होना ज़रूरी है। ये स्टॉक यहाँ से ऊपर चला गया तो ये 200 डे की मूविंग एवरेज से आप देख सकते हो दूर हो चुका है, तो वो वापस 200 डे की मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं आएगा ही। और वो जगह आने के लिए आपको वेट करना है, और फिर जब वो इस जगह पे आएगा आपकी वॉच लिस्ट में स्टॉक होना चाहिए, ताकि अगले दिन जब वो ये स्टॉक ये लेवल को ट्रेंड लाइन ब्रेक करके क्रॉस करे वापस अपना ओरिजिनल ट्रेंड की तरफ, तो आपके पास बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अब ये अपॉर्चुनिटी कब होगी? जब आपको पता है कि ये स्टॉक 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अब नीचे आ चुका है, तो आपकी वॉच लिस्ट में होगा। अगले दिन आप वेट करेंगे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करे और MACD का इंडिकेटर का भी आपको कन्फर्मेशन मिल जाए तो आप बाय कर लीजिए बेशक यहाँ से, तो वो जाएगा वापस अपनी ट्रेंड की तरफ ऊपर। फिर दोबारा ऊपर गया, ऊपर कहीं आपको प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है इंट्राडे में, फिर दोबारा वेट कीजिए। आपने देखा वो धीरे धीरे गिर के दोबारा इधर आया, तो इधर जब वो आया है तब आप उसको वॉच लिस्ट में रखिए, और दोबारा जब वो अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो ये जगह पे इसने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक की। आप टाइम देख सकते हैं 1:45 है, 1:45 बजे, तो ये 1:45 बजे आपको बाय करना है। और इसी तरीके से आपको करते ही रहना है, जब वो 200 डे की मूविंग एवरेज के नीचे है और वो वापस से और वो ऊपर जा रहा है स्टॉक 200 डे की मूविंग एवरेज के आसपास, तो आप उसको अपने वॉच लिस्ट में रख दीजिए, उस पर वॉच रखिए। इसी तरीके से आपकी एक वॉच लिस्ट प्रिपेयर होगी। कोई NSE की वेबसाइट से वो डेटा डाउनलोड करके एक्सेल की शीट में डाल के NSE आपको प्रोवाइड नहीं करेगी कि डाउन ट्रेंड का स्टॉक है और अब इसने पुल बैक ले लिया है, ये दोबारा अपने ट्रेंड रिज्यूम करने वाला है, ऐसा कोई डेटा NSE की नहीं प्रोवाइड नहीं करने वाला है, ना ही कहीं आपको एक्सेल की शीट में मिलने वाला है। ये आपका होमवर्क है जो आपको करते रहना है इस मार्केट में, ऐसे ही आपको वॉच लिस्ट प्रिपेयर होगी। ये जो लोग होते हैं जो टेलीग्राम के ग्रुप्स बनाते हैं, लेवल्स प्रोवाइड करते हैं इंट्राडे के लिए, उसमें कुछ आपसे शायद पैसे भी लेते होंगे, 5,000-10,000 महीने का आपको ग्रुप में ऐड करने का, मुझे तो समझ में ही नहीं आता दोस्तों आपको किसी का लेवल्स लेने की ज़रूरत ही क्यों है। चार्ट आपके सामने है, आप खुद ही एनालाइज कीजिए ना, आप क्यों दूसरों की बातों में आते हैं? उनको कैसे पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट ये प्राइस से वो टर्न अराउंड होने वाला है? ये स्टॉक जब नीचे गिरता था तो
तो मैं लेवल दे देता 132.50 पर, वो वहीं से टर्न होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जब तक वो टर्न नहीं होता तब तक उसका कोई लेवल नहीं हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से टर्न ही नहीं होता और ये डाउन ट्रेंड में चले ही जाता सीधा, फिर 200 डे की मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे ऐसे नीचे आ जाती, तो वो मेरे लेवल की वैल्यू क्या रहती। दोस्तों मैं यहाँ पे तो कोई पैसे कमाने आया नहीं हूँ आपसे, मैं आपको सिर्फ सच बताने आया हूँ। तो प्लीज़ इस टाइप के स्कैम से आप दूर रहिए, कोई लेवल वेवल्स आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है किसी से, आपको सिर्फ अपना होमवर्क खुद से करना है। तो आपको सबसे अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ है आपको इसमें मिल ही जाएंगी यहाँ पे इंट्राडे में काम करने के लिए। तो दोस्तों इंट्राडे में काम करने के लिए विन रेशियो आप हाई कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आप अपने साइड पे कैसे रख सकते हैं, वो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ उसका। तो आपको ये करना है कि आपको निफ्टी का चार्ट खोल लेना है, निफ्टी या सेंसेक्स जो आप खोलें, और आप निफ्टी के चार्ट में अगर देखेंगे तो निफ्टी का जो भी डायरेक्शन है, निफ्टी का भी एक ट्रेंड होता है, अगर निफ्टी अप ट्रेंड में कंटिन्यूस चल रहा है मतलब 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो आपको ऐसे स्टॉक्स सर्च करने हैं जो खुद अप ट्रेंड में चल रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज के साथ ही चल रहे हैं ऊपर। अगर आप निफ्टी अपसाइड जा रहा है और 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे जो चल रहे हैं उन स्टॉक्स में आप पुल बैक ढूंढेंगे कि मैं इसे सेल करूँ, वो गिरेंगे पर उनमें प्रोबेबिलिटी कम रहती है, क्योंकि जब मार्केट अप जाता है तो वो स्टॉक या तो साइडवेज हो जाते हैं या तो कम गिरते हैं, पूरे नहीं गिरते हैं। लेकिन निफ्टी अप ट्रेंड में है तो आपने अगर ऐसा कोई स्टॉक ढूंढा हुआ है जो ऑलरेडी वो भी एक अप ट्रेंड में है, पुल बैक ले चुका है और नीचे से वापस से ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो वो स्टॉक आपको निफ्टी के साथ ट्रेड करोगे, मतलब निफ्टी अगर अप ट्रेंड में वो भी आप स्टॉक अप ट्रेंड का ही ट्रेड करोगे, तो क्या होगा कि मार्केट की भी एक हवा होती है कि मार्केट में बाइंग चल रही है तो आपके स्टॉक सिलेक्शन साइज बहुत अच्छा नहीं होगा तो भी थोड़ा ऊपर आ ही जाएगा, क्योंकि एक मार्केट की जो वेव होती है वो तो उसको अफेक्ट करेगी कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोबेबिलिटी को थोड़ी हायर साइड रख सकते हैं, तो इससे आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी विन होने की और आपका विन रेशियो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, शायद 60-70% भी हो जाए तो बहुत अच्छा विन रेशियो होता है। दोस्तों यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं दूसरे ऐसे काफ़ी वीडियोज़ होते हैं जो सब बताते हैं 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी या 100% इंट्राडे स्ट्रेटेजी। दोस्तों 100% ट्रेडिंग की लाइन में कुछ नहीं होता है, स्टॉप लॉस तो हिट होने ही हैं और वो होंगे ही, 100% कुछ नहीं है। जो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स होते हैं उनका विन रेशियो 60-70% के ऊपर कभी नहीं आता है, तो भी वो 60% के विन रेशियो में भी काफ़ी पैसे बना लेते हैं। दोस्तों तो आपको 100% वाली स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागिए, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं और वो कभी मिलेगी भी नहीं, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है। लेकिन आप 60-70% विन रेशियो की प्रोबेबिलिटी में अगर आप आ गए हैं तो ऑलरेडी वो बहुत ही अच्छा विन रेशियो और उसमें आप काफ़ी पैसे बहुत ही ईजिली कमा लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, यू माइट हैव फाउंड सम वैल्यू आउट ऑफ द वीडियो, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द एक ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ, कुछ जेन्युइन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।